हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। एक न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हैं एक न्यू विजिट करने के लिए उम्मीद पैलेस। उनका नाम है उम्मीद पैलेस। तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसा लगा वीडियो, चलते हैं वहाँ पर, नज़ारा आपको बताते हैं। व्यू कैसा लगा वीडियो, ज़रूर ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। तो घंटाघर से मैं यहाँ पर अभी उतरा हूँ। अभी ये वापस चढ़ गए, अभी पैदल जा रहा हूँ। लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता है, तो जाते हैं वहाँ पर। क्या अगर टिकट होगा, एंट्री टिकट, तो टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो देखते कैसे क्या होता है। चलते हैं वहाँ जाके आपको बताते हैं। कितने खूबसूरत फ्लावर है, मस्त है ना। यहाँ पर मैं दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो अभी आया हूँ तो आपको सब विजिट करा देता हूँ। अगर आपने मेरा मेहरानगढ़ का किला का वीडियो अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख लेना, कैसा क्या है, पहले राजा महाराजा के टाइम क्या कैसा क्या होता था, वो सब मैंने आपको विस्तार से मेरे यूट्यूब चैनल पर बता दिया है। वहाँ जाके आपको लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कमेंट ज़रूर करना। बहुत महंगी महंगी होटलें हैं यहाँ पर, बहुत महंगी महंगी होटल। ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तक जो पीछे पीछे की साइड में दिख रहे हैं, ये है होटल। यार थक गया हूँ मैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, चलना पड़ेगा तब जाके। बहुत खूबसूरत यहाँ पर होटलें हैं, बहुत महंगी महंगी। चलते हैं ऊपर, अभी तक आधे रास्ते में पहुँचे हैं। ये आगे की तरफ है। अभी यहाँ पर कैसे क्या रेस्टोरेंट है, यहाँ पर स्टेशन लगा हुआ है, ये है आगे की तरफ। ऐसी होटलें हैं यहाँ पर। भाई यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर फॉरेनर यूएस से बहुत आते हैं, बहुत मतलब सब फॉरेनर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा के टाइम ये भवन बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आते हैं। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप भी एक्साइटेड रहे, तो वीडियो बने रहे लास्ट वीडियो तक, एंजॉय करते रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर ज़रूर करें, ताकि हम भी तो देखें हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। भाई ऊपर जाके आपको बताता हूँ सारी जानकारी, और यहाँ का नज़ारा मैं दिखाता हूँ कि जोधपुर पैलेस कैसा दिखता है। यहाँ का नज़ारा मैं पूरा जाके दिखाऊँगा, जोधपुर कहाँ तक फैला हुआ है आपको ऊपर जाके मैं बताऊँगा। देख लो भाई, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, इससे ऊपर और भी है। यहाँ से मैन गेट है, एंट्री है। यहाँ पर सब फॉरेनर ही फॉरेनर दिख रहे हैं, आते हैं मिलाते हैं उनसे। ये है दो फॉरेनर। तो भाई टिकट ले लिया है पर पर्सन के हिसाब से 60 रुपये दिख रहा है आपको, टैक्स मिला के हो गए 80, और अगर फॉरेनर होते हैं तो उनका 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगता है। ये है उम्मीद पैलेस का टिकट, जाते हैं अंदर। भाई काले गोरे भी आ रहे हैं पीछे, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको भी मैं बताऊंगा, काले गोरे से मिलवाऊंगा। भाई ये था एक कुछ एंट्री गेट, अंदर आ चुके उम्मीद पैलेस में, दिखा थे आपको सब कुछ नज़ारा। यहाँ पर लोग बहुत घूमने के लिए आते, घूमने के लिए लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। इंडिया से भी है कुछ लोग, अभी लोग मतलब आ रहे हैं, अभी गेट खुला है मेन गेट, इतना क्राउड तो है नहीं। Thank you.
दो इस तरफ डालो ना। जो दिखे ये गार्डन है आगे कुछ लोग फोटो वोटो ले रहे हैं, ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। वो सकते हैं कब से था हम हमारे को इंतज़ार, अभी चलते हैं अंदर और वहाँ का दिखाते हैं। और ये मोटर बात देखो गाड़ी कितनी, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको जो यहाँ का नज़ारा है। पर पर्सन के हिसाब से 7 रुपये है, अभी टिकट लेते हैं बता दिया। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा आपको। बहुत बड़ा है उम्मीद भवन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो एयरपोर्ट में ये है कुछ उम्मीद भवन का पिक्चर। पहले ऐसा दिखता था, अभी भी ऐसा ही दिखते हैं उम्मीद भवन। चलते हैं आगे वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, जो पहले के टाइम में ऐसा कुछ हुआ करता था। उम्मीद भवन कॉलेज के अंदर सजा के हस्तक निर्मित इस चित्र को लंदन की मेन पैलेस कंपनी द्वारा बनाया गया का दृश्य है। यह है कुछ मतलब विदेशों में स्टेचू बने हुए थे यहाँ पे नहीं होता है। ये है कुछ यहाँ का उम्मीद भवन ऐसा दिखता है पूरा। उम्मीद भवन के बराबर का एक शब्द है उम्मीद भवन के केंद्र के सत्ता सारे चित्र। ये बाकी कर्मचारी वगैरह ऐसा कुछ बना था बन रहा था, ये उनका ऐसा निर्माण हुआ था। ये है भाई, ये देख लो, ये पूरा उम्मीद भवन है। ये कुछ ऐसा वो बना हुआ था पहले कितने धीरे धीरे क्राउड लगेगा, अभी लोग आ रहे हैं। महाराजा उमेश सिंह जी अर्जुन महाराज का निर्माता। 23 जनवरी 1900 ईस्वी का आम दरबार में महाराजा उमेश भवन को उमेश सिंह जी को भारत के गवर्नर जनरल एस लाल सिंह के राज्य ग्रहण के पूर्ण अधिकार सौंपे दिए गए लिखने हैं। ये है कुछ ऐसा आप पढ़ लेना। ये कुछ पहले के टाइम में हॉस्पिटल ऐसा हुआ करता था, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये ये भाई इंदिरा गांधी बैठे हैं।
और यहाँ पर चबक दे बैठे। ये हमारा जैके छोटे बेटे, अजीत सिंह जी इनका नाम है। उन्नीस सौ चौवालीस में उनके और ये पुराने ज़माने में, मतलब जब रात को लाइट नहीं होती थी तो ये लाल टैम, ये हमारे घर पे भी ऐसे हुए हैं। अभी नहीं फिलहाल, पहले थी, अभी नहीं है। ये है पहले के ज़माने के लाल टैम। कैसे क्या करते थे पता नहीं यार हमें भी। ये महाराजा हमें सिंह जी, ये भी टीवी है, टीवी में बता रहा है कि ऐसा ऐसा पहले हुआ था, ऐसा कुछ ये कैसे बना कैसे नहीं, ये सब बता रहा है टीवी में। ये कुछ फॉरेनर्स की है वीडियो, इससे बड़ी टीवी ये भी है, इसमें बता रहा है सब कुछ। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये है झूमर, पहले के टाइम में ऐसा झूमर हुआ करता था, अभी भी है। राजा महाराज ने जो लड़ाई लड़ी है वो देख, ये है कुछ। भाई यहाँ पर बहुत सारे फॉरनर देखने के लिए बहुत आते हैं। ये है कुछ बाहर का नज़ारा। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे है, पहले क्या मैं ज्वेलरी ऐसा कुछ हुआ करते थे, ज्वेलरी रानियों की। ये इनके शेर थे टाइगर। ये है महाराज गजय सिंह जी, महाराज गजय सिंह 3 साल के साथ जोधपुर भ्रमण गए थे इस समय। ये है राजाओं के कुछ अस्त्र शस्त्र, ये कुछ मेटल की बनी हुई है, ऐसे कुछ चाय वगैरह कप पीते थे कप में, ऐसे इतने बड़े बड़े कप थे। ये रोटी रखने के लिए थे, ऐसे कैसे कुछ की खाने खाने के लिए। ये इनकी सजावट, ये राजा महाराज ऐसी टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए, खाने के लिए। ऐसा कुछ बर्तन तो पहले अभी भी है, ये देख लो मेन्यू लिस्ट। राजा महाराजा गाने वैसे ऐसे कुछ था सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए। पहले टाइम में पंखा कैसा हुआ करता था वो देख लो। फैन देख लो उनके घोड़ा,
ये रानी का रक्त ऐसा हुआ करता था, पता नहीं कैसे क्या है। चलो देख लो, आप भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। महाराज अजय सिंह जी की वाइफ ऑफ अजय सिंह जी उमेश सिंह जी, अभी फिलहाल में महाराजा अजय सिंह जी है, ये उमेश सिंह जी है उनके पिताजी। ये है उनकी तलवार, किंग ऑफ एम्पायर मैजिस्ट। ये है लॉक, कितना बड़ा लॉक। ये कुछ पानी के बर्तन है, ऐसे कुछ रानी पानी भरते हुए कुछ यहाँ का नज़ारा। ये देख लो, ये है महाराज की जन सभा यहाँ पर। ऑर्डिनरी रूम कॉर्नर सेक्शन ऑफ द रामायण मॉल। यहाँ पर कुछ राजा महाराज सभा करते थे, सभा भवन ही लेता था पहले, जितना इतना क्राउड नहीं है, बहुत कम ही लोग आते हैं। पहले बहुत भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पर, भीड़ नहीं थी। ये पहले के समय में जो ट्रेन घड़ियाँ होती है ऐसी घड़ी होती थी। ये उम्मीद बम कब और कैसे बना, ये सब इनकी हिस्टोरी है। कब बना वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, कब और कैसे हुआ, कैसे बना इनकी स्टोरी सब लास्ट में बता दूँगा। ये भी फॉरनर है। ये ऐसे कुछ ट्रेनें वगैरह हुआ करती थी पहले के टाइम में। यार ट्रेन नहीं है, कहीं जाए। अरे यार ये तो घड़ी है, ये है अवसर। ये क्या ऐसा कुछ दिखता है अंदर से, ये कुछ ज्वेलरी है रानी की, ये भी है। ये है तो भाई ये था कुछ यहाँ का नज़ारा। ये भी देख लो आपकी चुप सकते महाराजा कैसे क्या हुआ था, ये सब आपको मैंने डिटेल से बता दिया। चलते हैं और नज़ारा देखने के लिए, बने रहिए वीडियो वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। आपको पहले से कैसा लगा कमेंट जरूर करें। हेलो करो इधर इधर कैमरे में, आपके पापा हैं। हेलो बार आ सकें आपको बता दिया जाएगा। चलते हैं, पुराने टाइम में गाड़ियाँ कैसी होती थी वो भी आपको बता देते हैं। चलते हैं पैलेस ऑफ उमेश भवन, इस तरफ ये रेस्टोरेंट है होटल है इधर रॉयल पैलेस। धीरे धीरे बहुत क्राउड हो गया है, बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं। ये था कुछ यहाँ का नज़ारा उमेश भवन का। भाई बहुत मज़ा आया अंदर देख के, 5 साल से वापस मैं देखने के लिए आया हूँ। पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी हमने यूट्यूब चैनल खोला है तो थोड़ा बहुत व्लॉग के लिए बनाना पड़ता है। ये था कुछ उमेश भवन, कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत बनती है यार वीडियो बनाने में, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और भी लोग देखें और नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और लास्ट बसा है, वो है कार, कार आपको दिखाते देते हैं। राजा महाराज के टाइम में कार कैसे हुआ करती थी वो भी आपको दिखा देते हैं वहाँ जाके।
ये है दादा तुम्हारा जी की आइडिया, ऐसे कुछ हुआ करती थी। LMG गाड़ी का नाम है, रॉयल्स रॉयल में, ये है रॉयल्स रॉयल गाड़ी, देख लो कभी किसी ने नहीं देखा तो ये अभी देख लो सब फॉट, मतलब बोलते हैं ना धमाका भी इसका बाल वाका नहीं कर सकते, इतनी पावरफुल गाड़ी है, पूरी लोहे की बनी हुई, मेटल से बनी हुई। सब तगड़ी तगड़ी गाड़ी है, ऐसे कुछ गाड़ियाँ हैं, सब सबका नाम लिखा हुआ, कौन सी गाड़ी है, सब रॉयल गाड़ी है, रॉयल एक से ऊपर एक। आज हमारे जो के पास ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ करती थी, ये पहले के ज़माने में ऐसे हुआ कर उनके पास, सब रॉयल गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी, इतनी लंबी लंबी हुआ गाड़ी में हुआ कर, ये आगे की तरफ जो इंजन है 1947 सीरीज 62, उन्नीस सौ 1927 रॉयल्स रॉयल प्लाटून विंडो लेमोनेस, ये सब 1947 से पहले की गाड़ी है, जब भारत आजाद नहीं हुआ पहले की गाड़ी है, सब सभी रॉयल्स रॉयल गाड़ियाँ हैं। ये कुछ ऐसी दिखती हैं गाड़ियाँ, छोटी छोटी स्टेशनों में रखी गई है सजा कर, तीनों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें ताकि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है ये भी कमेंट करें, आप कहाँ से वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ये पूरा था उन्नीस भवन, उस तरफ जो दिख रहा है वो है होटल, इस तरफ विजिटिंग करने राजा महाराज होटल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो आइटम थे देखने के लिए, उधर इस तरफ होटल है रॉयल पैलेस करके कुछ होटल है, तो भाई ये कुछ ऐसा अमित भवन पैलेस था। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।